Welcome to my class. We're doing part A macroeconomics, introductory macroeconomics, and this is in view of the revision. This is unit one, some basic concepts. So in this we are going to do methods of measuring national income, in which we finished with value-added method, we finished with income method, and today we are going to revise the expenditure method. All right, so here we go. In this, for example, if you see, it is expenditure method entails C plus I plus G plus X minus N. When you ठीक है, जब हम ये है components final expenditure के, जिसको हम कहते हैं C, that is consumption expenditure, I, investment expenditure, G, government expenditure, and the rest of the world expenditure. अगर इनको हम add करेंगे ना, तो हमें जो मिलता है, जो aggregate मिलेगा ना, उसको हम कहेंगे gross domestic product at market price. Is that clear? So we get GDP, MP. तो अब इसके components को let's just एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या है कंपोनेंट्स. पहला है जैसे कंज्यूमर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. देखा जाए तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का भी होता है, हाउस होल्ड का भी होता है, गवर्नमेंट का भी होता है. तो लेट्स जस्ट टेक इट. सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें कौन कौन से दो जो है पीपल हु आर टू प्लेयर्स इन दिस. वन इज द हाउस होल्ड, that is private final consumption expenditure. इसमें होता है household and household consumption expenditure and non-profit institution serving household जो expenditure करता है. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूंगी, पर अभी बस ये याद रखना है. C हो गया, और consumption का एक और part हो गया. ये तो हो गया private final consumption expenditure. हम government को भी ना consumption expenditure ही बोलते हैं. That means क्योंकि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों होता है, क्योंकि वो कलेक्टिव वांट्स को देखता है, वेलफेयर देखता है, एंड एक्चुअली इट्स स्पेंडिंग फॉर इट्स ओन यूज बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल. तो वो जो भी बना रहा है फॉर द यूज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, अपने जो रेजिडेंट्स हैं अपने कंट्री के, उसी के लिए बना रहा है वो. सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, फिर आता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस. ये इन्वेस्टमेंट आ गया आपका. अब इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. याद है जब हमने टर्म्स की थी तो इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ कैपिटल फॉर्मेशन दो तरह का होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड में क्या हो जाता है आपका, इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो इसमें आपका आ गया बिजनेस, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ग्रॉस हाउसहोल्ड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. ये भी अगर हाउस होल्ड भी कंस्ट्रक्ट करते हैं ना अपने जो मकान वगैरह, दैट कम्स अंडर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. और फिर आपका आ गया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. तो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाता है. फिर आता है जी आपका चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक इज इट्स लाइक योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो बच जाता है. चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो आपके पास पड़ा होता है अगर, तो उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. वी अज्यूम दैट ही हैज स्पेंट इट, स्पेंड मनी फॉर बाइंग ऑल ऑफ दैट. ठीक है, तो तीन हो गए, सी प्लस आई प्लस जी हो गया. जी इज अगेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. फिर इन्वेस्टमेंट हो गया. फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट क्या होते हैं, अगर हम परचेज करते हैं, परचेज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स बाय फॉरनर्स, हमारा डोमेस्टिक गुड्स जो हमारे गुड्स हैं सॉरी, वो फॉरनर्स अगर खरीदें उसको हम एक्सपोर्ट्स कहेंगे. इम्पोर्ट का मतलब हो जाएगा कि हम जो है हम परचेज करते हैं एज अ कंट्री फॉरेन गुड्स एज रेजिडेंट्स. तो यही चार चीज़ हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज हाउ वी विल गो अबाउट इट. और जस्ट लुक एट दिस, अगर आप देखोगे ना इस तरह से बन जाता है. तो एक्सपेंडिचर मेथड में तीन मैंने दिए हैं, जैसे फाइनल कंजम्पशन,
इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स। अब फाइनल कंजम्पशन में दो आ जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है उसमें क्या होता है, हाउस होल्ड, फिर प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो जैसे मैंने बताया, इट्स फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द पीपल, दे आर कलेक्टिव वॉन्ट्स। एंड एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट इज यूजिंग दिस फॉर इट्स ओन यूज, दैट इज फॉर द वेरी सिटीजन, फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। ओके, तो फिर अब आ गया आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट जो होता है, लेट मी जस्ट गेट इट हियर, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। अब इन्वेस्टमेंट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल। तो इसमें एज वी सेड ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, आपका ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट आ गया, फिर ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, एंड फिर आ गया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। वी बी टॉकिंग ऑल ऑफ इस सब के बारे में बात करेंगे। और चेंज इन स्टॉक है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके, और नेट एक्सपोर्ट्स में क्या होता है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड एंड नॉन फैक्टर सर्विस, एंड इसमें भी है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विस। तो ये बेसिकली जो हम लोग ने देखा है, तो इस तरह से ही वी गो अबाउट इट। ओके, सो नाउ जस्ट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन अ लिटल मोर अबाउट इट, और फिर हम आगे निकलेंगे, देखेंगे कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो इसमें जैसे कि अगर हमने एक चीज़, जैसे मैंने अभी बताई थी कि जब आप देख रहे हो, पहली चीज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो प्राइवेट हाउसहोल्ड्स हैं वो जो खर्चा कर रहे हैं फॉर बाइंग परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाय हुम, बाय हाउसहोल्ड्स और बाय प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड्स, ठीक है। तो ये आ जाता है। तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि अगर हम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखें, जैसे कि कंज्यूमर स्पेंड कर, अच्छा एक मिनट, सो व्हाट इज़ अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड, जैसे कि हो गया क्लब्स हो गए, ठीक है, एनजीओज वगैरह, स्कूल्स हो गए, ठीक है। तो ये नॉन प्रॉफिट के लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉर द सर्विसेज, दे आर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, फ्रॉम द पीपल देमसेल्व्स, फॉर द पीपल देमसेल्व्स। तो ये अच्छा, कंजम्पशन में, फाइनल कंजम्पशन में क्या क्या हो सकता है, येस योर राइट, ड्यूरेबल गुड्स सच एज योर कार, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में क्या आ जाएगा, वेजिटेबल्स, पेपर, वॉशिंग पाउडर एट्सेट्रा। फिर कंज्यूमर सर्विसेज में क्या हो जाएगा, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विस, मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। फिर इसमें ना इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी आता है। फिर रेंट ऑफ द ओनर, इम्प्यूट रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस भी इसी में आएंगे आपके कैलकुलेशन, इसका एक्सपेंडिचर कैलकुलेट होगा। फिर डायरेक्ट परचेजेस मेड अब्रॉड बाय रेजिडेंट्स हाउसहोल्ड्स इसमें ऐड होते हैं, बट डायरेक्ट परचेजेस इन डोमेस्टिक मार्केट जो होता है बाय नॉन रेजिडेंट हाउसहोल्ड्स जैसे फॉरनर्स एंड एंटायर टेरिटोरियल बॉडीज विल बी डिडक्टेड, इसको हटाना होता है। फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल, अब जैसे हमने बता दिया ये हो गया आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अब आ गया आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसको ज़रा सा देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट, यहाँ पे जब हम गवर्नमेंट बोलते हैं तो इसका मतलब होता है जनरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जनरल गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों पर खर्च करती है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कलेक्टिव वॉन्ट्स, जैसे कि है एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस वगैरह। तो ये सब सम टोटल में आ जाता है कि जैसे इसमें होता है अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है, जब ये खर्चा कर रहे हैं तो इनके पास बहुत सारे लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो पेमेंट करता है, ये आ जाएगा इसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी आता है इसमें, जैसे
goods and services purchased by government from domestic market, इसको भी we'll have, हमें हमें इसको find out करना होता है. But I think we don't get a numerical आजकल, नहीं मिलते इस पर. But पहले जैसे government final consumption expenditure calculate करने बोलते थे, तो इसमें ये सारा देखना पड़ता था. और फिर direct purchases from abroad, कभी कभी जो government करता है ये भी आ जाता है. तो एक तरह से अगर हम government final consumption expenditure को देखते हैं, इसको हम कह सकते हैं collective consumption, इसको कलेक्टिव कंजम्पशन भी कहते हैं. ठीक है, कि अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो था गवर्नमेंट का, जैसे बताया था, वो भी इट, ये भी गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाता है. बिकॉज जो वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो है ना प्रोड्यूस्ड बाय इट, ये एस्टिमेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो उसका खर्चा है. द गवर्नमेंट डज नॉट वो प्रोड्यूस नहीं करता है सर्विसेज फॉर सेल इन द मार्केट. द गवर्नमेंट डज नॉट प्रोड्यूस द सर्विसेज फॉर सेल इन द मार्केट. जनरल गवर्नमेंट है ना, वो वेलफेयर मोटिव है ना, इसलिए. हाउएवर सेल्स इफ एनी, जैसे लाइक अगर जैसे कुछ भी सेल्स है ना अगर गवर्नमेंट की, जैसे जैसे ट्यूशन फीस इन गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस में, या नॉमिनल चार्जेस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, ये जो है इसको हम निकाल दें, इसको डिडक्ट करते हैं from the sum of all the above mentioned items में से. तो उस तरह से हम government purchases को as a part of final product ले लेते हैं. ठीक है, तो और देखो जैसे household, जैसे इसी तरह है, जैसे household including private non-profit organization serving household. जैसे याद है हम लोग ने दो चीज़ लिया था यहाँ पे, जैसे प्राइवेट हाउसहोल्ड एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड, वो इंक्लूडेड थे ना प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में. बिल्कुल वही सेम लॉजिक है, उस तरह से वो आपको नोट करना है. तो वैसे ही जनरल गवर्नमेंट, इसी तरह से जनरल गवर्नमेंट का इट इनकर्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सो अब देखना चाहते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ये तीनों, ये जो चीज़ें हैं ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नीचे आ जाती हैं. अब आ गया आपका सेकेंड वाला. ठीक है, सो नाउ वी कम टू द सेकेंड वन. वॉट इज दैट? इन्वेस्टमेंट. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? Switch on the light, maybe better. Okay. So in the investment, let's just take the final investment expenditure. So final investment expenditure ko hum kya kehte hain? Gross domestic capital formation. Ab jo final investment expenditure hai, kya isko hum keh sakte hain? Expenditure on the production of goods. Expenditure jo hum goods ko produce karne mein laga rahe, not for प्रेजेंट कंजम्पशन बट फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए. और ये जो चीज़ है ना, इट एड्स टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट एड्स टू द स्टॉक ऑफ, सो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम ग्रॉस डोमेस्टिक GDCF भी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. जो गुड्स जो बनते हैं इससे, उसको हम कहते हैं, जो गुड्स बनते हैं हम, या तो उसको कैपिटल गुड्स कहते हैं या इन्वेस्टमेंट गुड्स कहते हैं. तो इसमें क्या क्या होता है? ये जो है इसमें दोनों रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी जो भी है इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ऐड होता है. सो फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी इसके हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि हमने दिखाया था, कौन सा था ये, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, और फिर आ गया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो ये हो गया आपके. तो जैसे लेट्स जस्ट टेक ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. इसमें क्या होता है? इसमें इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर, जैसे कि नए प्लांट्स खरीद लिए, मशीनरी खरीद ली, इक्विपमेंट हुआ, तो ये आपका ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुआ. फिर आपका आ जाता है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. इसमें क्या होगा? जैसे कि
अगर हाउस होल्ड अगर दे परचेज या कंस्ट्रक्ट करते हैं न्यू हाउसेज, सो ऑल दिस इज इंक्लूडेड. और फिर आ जाता है आपका पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में जो भी आपका रोड्स एंड ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एट्सेट्रा जो गवर्नमेंट बनाती है फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन, ये आ जाता है. फिर आपका आ गया चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. तो फिर आपका आ गया चेंज इन स्टॉक. ठीक है, तो इसमें क्या आता है, मोस्ट ऑफ द फर्म्स जो होते हैं वो अपने स्टॉक अपने इनपुट्स का दे होल्ड, वो अपने स्टॉक्स ऑफ देयर इनपुट्स एंड अपने आउटपुट का रखते हैं. तो ये जो स्टॉक्स है ना, इनको हम इन्वेंट्रीज कहते हैं. तो क्या होल्ड करते हैं, क्या रखते हैं अपने पास, स्टॉक अपने इनपुट्स का और अपने अपने आउटपुट का भी. सो दे होल्ड स्टॉक्स ऑफ देयर इनपुट्स एंड ऑल्सो देयर ओन आउटपुट. ये स्टॉक जो होते हैं ना, इसको हम इन्वेंट्रीज कहते हैं. और इसका जो डिफरेंस होता है, ये हम ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसको हम चेंज इन स्टॉक कहते हैं. अब ये देखो कि जो स्टॉक है इसमें तीन तरह के होते हैं, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसमें स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स होते हैं, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. अब इसमें देखा जाता है कि अनसोल्ड स्टॉक्स जो होते हैं, दे आर लेफ्ट विद द प्रोड्यूसर्स. जो अनसोल्ड स्टॉक जो प्रोड्यूसर्स के पास रह जाते हैं, ये हम एज्यूम करते हैं, ये मान के चलते हैं कि ये जो थे ये परचेज होता बाय द प्रोड्यूसर्स देमसेल्फ, प्रोड्यूसर्स खुद ही इसको परचेज करते हैं. इसलिए हम चेंज इन स्टॉक को फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मानते हैं. सो समटाइम्स यू कैन जस्ट गेट अ वन मार्क क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक दैट चेंज ऑफ चेंज इन स्टॉक इज ट्रीटेड एज फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. फॉर द सिंपल रीजन, यू कैन राइट आंसर, अनसोल्ड स्टॉक्स लेफ्ट विद द प्रोड्यूसर्स आर एज्यूम्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स themselves. ठीक है, और एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया बट कभी कभी बुक्स में भी दिखाया हुआ है, बट दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट है नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूबल्स, ये भी आ जाता है कभी कभी. ठीक है, तो जैसे कि उसकी इंट्रेंसिक ब्यूटी के लिए रखा होता है, या जैसे ज्वेलरी है, ठीक है, और उनको पता है कि इसकी वैल्यू अप्रिशिएट करेगी, सो वैल्यूबल्स भी आ जाते हैं इसमें. ठीक है, वैल्यूबल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, बट जनरली हम 1 and 2 ही पे करते हैं, 3 है ये भी आता है आपका नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूबल्स. पूरा लिख दें, ये हो गया नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूबल्स, तो ये भी होता है. ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेट एक्सपोर्ट्स में, नेट एक्विजिशंस ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, ये जैसे मैंने लिखा ये भी आ जाता है कभी इन्वेस्टमेंट में, समटाइम्स वी टेक दैट, बट बेसिकली यू शुड नो टू, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट अर्लियर आल्सो. नाउ वी कम टू नेट एक्सपोर्ट्स. तो हम लोग ने क्या क्या खत्म कर लिया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अब आ गया जी आपका नेट एक्सपोर्ट्स. अब नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को ऐसे मान लेते हैं. ठीक है, हमेशा 1 year के पीरियड में होता है. तो इसमें हम इसको कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज जो हैं, हम वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज से माइनस करते हैं. ठीक है, सो दैट इज नोन एज क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स. अब तो ये जो होता है ये एस्टिमेट, अच्छा ये हो जाता है, और ये जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं ये हो जाता है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक पार्ट होता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और इसको हम नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं कभी, क्योंकि इट ये एक कंट्री की वेल्थ एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करता है.
ठीक है. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो आपका हो गया, लेट्स जस्ट रिवाइज. सो क्या क्या हुआ? यस, दे आर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. सो अब अगर ये सारी चीजें आपने की तो आपको क्या मिल जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. सो दैट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ऑलराइट. सो अच्छा एक और, आई केप्ट सेइंग नॉन फैक्टर सर्विसेज. तो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फैक्टर सर्विसेज? चलो बस ये, या तो मैं क्वेश्चन को होमवर्क दे दूं या चलो बता ही दूं कि जो नॉन फैक्टर सर्विसेज होते हैं ना, जैसे बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस एट्सेट्रा, ये होती हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज. तो कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि आपने ना नेट एक्सपोर्ट्स और NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें कन्फ्यूज नहीं करना होता है. क्योंकि जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है और नेट फैक्टर इनकम है ये नेशनल कॉन्सेप्ट है. दैट इज इट्स अ नेशनल प्रोडक्ट, उसमें होता है. नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज ऑफ अ कंट्री. जबकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम्स रिसीव फ्रॉम अब्रॉड है एंड फैक्टर इनकम्स पेड टू अब्रॉड है. और नेट एक्सपोर्ट्स में गुड्स के अलावा हम नॉन फैक्टर सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं. और NFI में सिर्फ नेट फैक्टर इनकम में सिर्फ फैक्टर सर्विसेज ही इंक्लूड होती हैं. सो विद दैट आई होप यू अंडरस्टूड दैट यू हैव टू जस्ट नो एंड एक्चुअली स्टेप्स टू कैलकुलेट विल बी जस्ट दीज. वील डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास. बट इट्स जनरली इफ यू नो दिस यू गो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो अगेन आई वुड वॉन्ट यू टू कॉपी दिस, ओपन योर बुक्स, मेक अ नोट ऑफ इट, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स, मेक योर शॉर्ट नोट्स फॉर ईच वन ऑफ दीज. ईच कॉम्पोनेंट को डिस्क्राइब कीजिए आप ठीक से एंड यू विल बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर द न्यूमेरिकल. ओके.